हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 फैमिली डॉग ब्रीड्स की, जिन्हें कि आप इजीली फैमिली में रख सकते हो, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोस्टली डॉग मैं आप लोगों को इस तरीके बताऊंगा जो कि प्योर फैमिली डॉग ब्रीड होगी, जिनके अंदर एग्रेशन कम देखने को मिलेगा, आप इजीली उन्हें हैंडल कर सकते हो। इसके अंदर मैंने वॉच डॉग या गार्ड डॉग कोशिश करी है कि कम से कम ऐड करूँ, क्योंकि प्योर फैमिली डॉग ब्रीड रखने की कोशिश करी है मैंने। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि एक फैमिली प्लस गार्ड डॉग ब्रीड की वीडियो हो जाए तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हो। बाकी आज की वीडियो स्टार्ट करें। सबसे जो पहली डॉग ब्रीड है वो है लैब्राडोर रिट्रीवर। हर जगह सबसे ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड में से भी एक है लैब्राडोर रिट्रीवर। ईजिली रखे जाने वाली डॉग ब्रीड है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों के साथ आप इन्हें ईजिली छोड़ सकते हो, घर में भी बिल्कुल भी उधम नहीं मचा के रखते, आप इन्हें ईजिली हैंडल कर सकते हो। साथ में आप जो चीज़ इन्हें सिखाना चाहो ईजिली सिखा सकते हो। इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होती है। हाँ, डॉग टू डॉग थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन मोस्टली अगर आप देखोगे तो 90% आपका डॉग इंटेलिजेंट होगा, जल्दी जल्दी चीज़ें पिकअप करेगा और ये समझदार हो जाते हैं टाइम से पहले। अगली डॉग ब्रीड है रामपुर ग्रेहाउंड। ये एक इंडियन डॉग ब्रीड है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है रामपुर शहर में, और ये डॉग ब्रीड अच्छे से रखने पे आपको बहुत अच्छे तरीके से रहती है। मतलब रखने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास बड़ा घर है और आप वहाँ पे कच्ची ज़मीन दे सकते हो तो आप इस डॉग को ईजिली रख सकते हो। ये आपका थोड़ा बहुत वॉच डॉग का काम कर लेगा, गार्डिंग के मामले में उतने अच्छे नहीं होंगे अगर हम बात करें जर्मन शेफर्ड रॉटवाइलर जितने, लेकिन हाँ वॉच डॉग का काम ये बखूबी निभा लेंगे, जिसके चलते फैमिली प्लस वॉच डॉग की कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छी डॉग ब्रीड रखने को आप इजीली रख सकते हो, ग्रूमिंग ज़्यादा नहीं होती, जिसके चलते काफ़ी लोग इस डॉग ब्रीड को पसंद करेंगे। रनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, ग्रेहाउंड से आप लोग समझ ही गए होंगे। अगली जो डॉग ब्रीड है वो है पोमरेनियन, एक छोटे साइज़ की डॉग ब्रीड जो कि काफ़ी लोग पसंद करते हैं, घर में ईजिली रखी जा सकती है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। आप इसके अगर फॉर्म कर सकते हो डेली की डेली, या फिर आप इतने एफर्ट्स दे सकते हो अपने डॉग के ग्रूमिंग पे, तो ही आप इस डॉग ब्रीड की तरफ जाना, वरना आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये बचपन में भी काफ़ी ज़्यादा छोटे होते, बड़े होने के बाद भी छोटे साइज़ की डॉग ब्रीड है तो छोटी ही रहेगी, जिसके चलते इनकी वॉक पे तो आपको टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये नोटोरियस होंगे कहीं पर भी बेड के नीचे घुस गए, चेयर सोफे के नीचे घुस के बैठ जाएंगे, जिसके चलते आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना इन्हें ठंड भी लग सकती है। और साथ में आपको इनकी ग्रूमिंग का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इनके टाइम टू टाइम ग्रूमिंग कराते रहो, जिसके चलते इनके बाल आपस में चिपके ना, अगर चिपक जाते तो फिर प्रॉपर इनके कोट को शेव ही करना पड़ेगा, जो कि आप करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे अगर आप पोमरेनियन रखते हो। अगली डॉग ब्रीड है पग। पग डॉग ब्रीड हर कोई जानते होगा, वोडाफोन की एड से बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई डॉग ब्रीड है और काफ़ी लोग रखना अभी भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये लो मेंटेनेंस की भी डॉग ब्रीड है, जिसे कि आप इजीली रख सकते हो, ग्रूमिंग ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन आपको इसका बस इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आप इसके रिंकल्स साफ़ कर सको, क्योंकि इनके रिंकल्स में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अगर आप टाइम टू टाइम क्लियर ना करो तो। बाकी अगर आप अपने पग को ओबीज कर देते हो तो उसके बाद इनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो एक आइडियल वेट कंडीशन में रखो अपने पग को। और इन्हें एक्सरसाइज करना पसंद नहीं होता, लेकिन आप लोगों को इन्हें करानी पड़ेगी, घर के अंदर भी करा सकते हो, बाहर वॉक पे ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, इतनी नेसेसरी नहीं है। अगर आप घर में वॉक करा सकते हो, घर में खिला कूदा सकते हो, तो घर में भी करा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइडियल 2 से 3 बार दिन में आप इन्हें बॉल के साथ फैच गेम खिलाओगे तो ये इनकी एक्सरसाइज उसमें भी हो जाती है। अगली डॉग ब्रीड है पग के अलावा फ्रेंच बुलडॉग, जो कि दिखने में बिल्कुल पग जैसी डॉग ब्रीड होती है, काफ़ी लोगों की मनपसंद डॉग ब्रीड भी होगी, क्योंकि भाई हमें तो डिफरेंस ही नहीं पता चलता कई लोगों को बचपन में देख के, क्योंकि इनके पास टेल के डिफरेंस होता है बचपन में, लेकिन जब बड़े होते हैं तो इनके पूरी ओवरऑल बॉडी में स्ट्रक्चर में काफ़ी दिन रात का अंतर आ जाता है। वहीं पर आप पग को देखोगे और फ्रेंच बुलडॉग को देखोगे तो आप ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जिसके चलते आप लोग इन दोनों डॉग ब्रीड में डिफरेंशिएट कर सकते हो। दोनों ही डॉग ब्रीड आइडियल रहेगी फैमिली के लिए, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बात करूँ फ्रेंच बुलडॉग की, फ्रेंच बुलडॉग जनरली अपना मोस्टली टाइम सो के बिताना पसंद करते हैं, सेम आपको देखने को मिलेगा पग के अंदर भी, लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं दोनों ही डॉग ब्रीड के लुक्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है बड़े होने के बाद। थोड़ा सा जो आपका फ्रेंच बुलडॉग होगा वो थोड़ा मस्कुलर साइड में होगा, वहीं पे आपका पग जो होता है वो नॉर्मल डॉग जैसा ही दिखता है कि नॉर्मल ओबीज होने के बाद, तो वो डिफरेंस आ जाता है, जिसके चलते लोग फ्रेंच बुलडॉग की तरफ भी चले जाते हैं। अब डिपेंड आप पे करते हैं कि आपको दोनों डॉग ब्रीड में से कौन सी डॉग ब्रीड पसंद है। एक और छोटे डॉग ब्रीड की बात कर लेते हैं, चिवावा। चिवावा डॉग ब्रीड इन दोनों ही डॉग ब्रीड में भी एक अच्छी चॉइस साबित होगी उन लोगों के लिए जिन्हें कि भाई टेल वाली डॉग चाहिए और रिंकल वाला डॉग नहीं चाहिए, तो उनके लिए एक अच्छी चॉइस साबित होगी, क्योंकि टेल के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसके चलते आप अपने डॉग का बिहेवियर का अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका डॉग किस टाइम एग्रेसिव हो रहा है, किस टाइम नॉर्मल है और किस टाइम खेलने के मूड में है, तो आप टेल के हिसाब से उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी
चिवावा डॉग ब्रीड अच्छी डॉग ब्रीडर रखने को आपके रखने पर डिपेंड करता है। इनका रिंकल नहीं होता जिसके चलते इनकी ग्रूमिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। कंपेरेटिवली टाइम स्पेंड आपको कम करना पड़ता है डॉग के ऊपर। और आइडियल कंडीशन यही है, आप इन्हें घर में खिला सकते हो। अगर वॉक पे लेके जाना चाहते हो तो शॉर्ट वॉक की कोशिश करना। अगर आप छोटी डॉग ब्रीड को लंबी लंबी वॉक पे लेके जाओगे तो उनके पैरों में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। डॉग को लेके जा रहे हो तो शॉर्ट शॉर्ट वॉक करा लो, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जो अगली डॉग ब्रीड है वो है हमारी देसी डॉग ब्रीड, मतलब देसी कुत्ते जो कि इंडियन डॉग ब्रीड होते हैं। ये आपको ईजिली देखने को मिल जाएंगे और इन ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं, जिसके चलते काफ़ी लोग इन्हें रखना ही पसंद करते हैं। घर में रखने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, बच्चों के साथ भी अच्छे तरीके से रहते हैं और घर में गार्डिंग काम भी बखूबी निभा लेते हैं। घर में किसी को घुसने नहीं देंगे। रफ एंड टफ टाइप की डॉग ब्रीड होती है जिसके चलते काफ़ी लोग इस डॉग ब्रीड की तरफ चले जाते हैं। इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होती है जिसके चलते आप इन्हें कोई भी चीज़ सिखाओगे तो जल्दी पिकअप कर लेंगे, बीमार कम पड़ते हैं, जिसके चलते कई लोगों की फेवरेट डॉग ब्रीड भी होती है कि एक तो डॉग को अडॉप्ट भी करने को मौका मिल जाता है, दूसरी चीज़ डॉग जनरली हेल्दी भी रहता है। अगली डॉग ब्रीड है बॉक्सर। बॉक्सर डॉग ब्रीड सबको पता है भाई अच्छी डॉग ब्रीड है, लेकिन इनमें मेच्योरिटी टाइम पीरियड 2 साल के बाद हिट होता है, जिसके चलते आपको अपने बॉक्सर को ट्रेन करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन आइडियल कंडीशन में आप अपने डॉग बॉक्सर को ट्रेन कर सकते हो, बस तो आपको थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। ये थोड़े ना मन बूढ़ी टाइप के डॉग होते हैं, मतलब जब इनका मन कर रहा होगा तब चीज़ें सीखेंगे, जब नहीं कर रहा होगा तो छोड़ के चल देंगे। इस तरीके की डॉग ब्रीड होती है जिसके चलते आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा और अपने बॉक्सर को प्रॉपर चीज़ें सिखाने का टाइम देना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए अगर आप तैयार हो कि भाई हमारा डॉग 2 साल बाद चीज़ें सीख रहा है तो आप बेझिझक बॉक्सर की तरफ जा सकते हैं। एक और छोटे डॉग ब्रीड शिट्ज़ू डॉग ब्रीड काफ़ी लोगों की मनपसंद डॉग ब्रीड होगी, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। माल्टेज भी इसी कैटेगरी में आप ले सकते हो। दोनों ही डॉग ब्रीड को आप रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दोनों ही डॉग ब्रीड अच्छे के साथ साथ इनकी ग्रूमिंग में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि दिखती अच्छी है तो आपको ग्रूमिंग में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप ग्रूमिंग में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते तो आप फ्रेंच बुलडॉग, पग, चिवावा इस तरीके की डॉग ब्रीड की तरफ जा सकते हो। अगर आप शिट्ज़ू की तरफ जाते हो तो इन्हें आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, कॉम करना पड़ेगा, आपको इन्हें चीज़ें सिखानी पड़ेगी, जिसके चलते आपको प्रॉब्लम ना आए। सेम शॉर्ट वॉक इन डॉग्स के लिए भी नेसेसरी होती है। अगर आप घर में खिलाना चाहो घर में खिला के इनकी एनर्जी को बर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आइडियल कंडीशन नहीं होती बाहर ले जाने की, जैसे कि बारिश आ रही है, तो इस टाइम पे आप अपने डॉग घर में खिला के भी उसकी एनर्जी बर्न कर सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बड़े डॉग को, आपको नेसेसरली बाहर लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपके घर में डॉग ट्रेडमिल नहीं है तो। लास्ट नॉट लीस्ट जो डॉग ब्रीड है वो है गोल्डन रिट्रीवर। गोल्डन रिट्रीवर के अलावा भी अगर आपको लगता है कोई डॉग ब्रीड हमने मिस करी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी और भी डॉग ब्रीड है जो कि इस लिस्ट में आ सकती थी, लेकिन टॉप 10 डॉग ब्रीड होने के चलते इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई। तो आप लोग कमेंट करके उन डॉग ब्रीड का भी नाम बता सकते हो, काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। बाकी हम बात कर रहे हैं गोल्डन रिट्रीवर की। गोल्डन रिट्रीवर भी सेम आपको ग्रूमिंग में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लैब्राडोर रिट्रीवर जैसे ही इंटेलिजेंट होते हैं ये, जिसके चलते आपको इस चीज़ का तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको ट्रेनिंग में टाइम स्पेंड करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आपको ग्रूमिंग में उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। गोल्डन रिट्रीवर बच्चों के साथ भी अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन बड़े साइज़ के होने के चलते आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे के साथ में वॉक पे लेके जा रहे हो या फिर आपने अपने बच्चे को डॉग दे दिया कि भाई पकड़ सकता है पकड़ ले, तो कुछ आइडियल कंडीशन नहीं होगी, जिसके चलते गलती से अगर डॉग थोड़ा सा भी जोर लगाएगा तो बच्चा गिर सकता है। तो आपको अपने डॉग के साथ रहना पड़ेगा या फिर आप उसे ट्रेनिंग दे सकते हो हील कमांड की, जिसके चलते आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये थी आज की वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताना अपनी फेवरेट डॉग ब्रीड, और दूसरों लोगों की हेल्प करने के लिए भी आप और डॉग ब्रीड का नाम भी बता सकते हो। बाकी आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डॉग से रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं, जो कि आप मिस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों।